एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो दोस्तों अभी मैंने कुछ लड़कों से मिलवाया, बहुत लड़कों से नहीं मिलवा पाया। आप लोगों को इसलिए बधाई देना चाहता हूँ, आप लोग जरूर सफल होइएगा, क्योंकि आज सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर जो बच्चा यहाँ आया है, बहुत बच्चा तो घर चला गया। आप लोगों को बहुत बहुत दिल से मैं बधाई देता हूँ। और मैं एक बात याद रखना, जीवन में कभी भी किसी के पास जाएगा तो झुक कर लेगा तो हर चीज़ मिल जाएगा। बारिश हो रही है, हाथ को उल्टा करेगा कुछ नहीं आएगा, हाथ को सीधा करेगा थोड़ा पानी आएगा, लेकिन जब हाथ कैसे करेगा बहुत कुछ आएगा। यदि मेरे पास आया है, चैलेंज करता हूँ, कोई बच्चा ऐसा हो यदि बोल देना कि गुरु जी के पास तैयारी किया है, मैं छट गया, तो जो कहेगा सो। हाँ, बस शर्त मेरे पास, मेरे अंदर में रहना, बस जो कहता हूँ आप उसको फॉलो करिए, आपको एकदम सफलता मिलेगी। क्योंकि जिस माँ ने मुझे पैदा किया है, उस माँ ने भी, मैं डेली बात करता हूँ, उस माँ जो मुझे बताती है मेरा गुरु कौन है, मेरी माँ है। पूछेगा कि गुरु जी का गुरु कौन है, तो गुरु जी की मेरी माँ ने जिसने मुझे जन्म दिया, वो मुझे आज भी सिखाती और बताती है, वही चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मेरी माँ के लिए भी एक ताली जोरदार से आप बजाइए। मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके बीच, इतने लड़कों को आप जानते हैं, सालों साल कितने लड़के यहाँ से जाते हैं, तो मैं उस माँ को भी यहीं से सैल्यूट करता हूँ। जहाँ भी है माँ, मेरी माँ वहीं खुश रहे, और हो सके यदि मैं अपनी ज़िंदगी भी मुझे देना पड़ेगा अपनी माँ के लिए तो मैं दूंगा। और आप लोग भी ऐसा करिएगा। देखिए, बहुत बच्चा है जो क्रोधित होता है, अपने माँ बाप से इतना प्यार नहीं करता। याद रखना, एक माँ आपको तो 9 महीना पेट में पाल कर रखती है, लेकिन याद रखना, एक बाप जो होता है 18 बरस, 24 बरस, 30 बरस तक उसके यहाँ टेंशन रहता है कि बेटा के कहाँ से दे, ताकि कल जाके अपने पैर पे खड़ा हो और वो उस समाज में अपना सर ऊंचा करके चल सके। 18 वर्ष उम्र समझते हैं, 20 साल। एक माँ ने आपको तो 9 महीने पेट में रखा, लेकिन एक बाप ने आपको 18 साल उठाया, झेला दुनिया से, तो मेरा बेटा कब अपने पैर पे खड़ा होगा। तो आप मेरे पास आते हैं, मैं यही कहूँगा, यही संदेश देना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से करिए, जो भी काम होता है आप ईमानदारी से करिए। जो है, जहाँ पावर दिखाना है, टैलेंट दिखाना है, वहाँ टैलेंट दिखाइए, तो आप जरूर सफल होइएगा। मैं यही सारी बातों के साथ, मैं सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर जो भी बचे मेरे देश के कोने कोने में, मेरे जो भी भाई, मेरे 10,000 जो भी फॉलोअर है, मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर जी गुरुजी और फेसबुक पेज पर गुरुजी के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं सभी देश में जितने भी लोग हैं, मैं मेरे से जाने हुए नहीं जाने, मेरे भैया, पापा, चाचा, आप लोगों के जो भी रिश्तेदार हैं, मैं सभी को सरस्वती पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि माँ सरस्वती आपको अच्छे सुबुद्धि दे, ज्ञान दे, अच्छे मार्ग पर ले जाए, ताकि आप सफल हो जीवन में, आप ऊंचाइयों पर जाए। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आप सभी को एक बार दिल से धन्यवाद देता हूँ। भारत माता के जय, सरस्वती माता के जय, जय हिंद, जय हिंद। मेरे दोस्तों, यहाँ पे उपस्थित जितने सारे लोग हैं, बस सबसे पहली बात मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप लोग केवल 15 सेकंड के लिए, केवल 15 सेकंड के लिए माता सरस्वती को याद कीजिए, केवल आंख बंद कर 15 सेकंड। मैं बार बार उसी बात को दोहराना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग खुद से इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करते तो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते। यह सर्वविदित है, यह 100% सही है कि अपने आप को इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाते। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड मैन हैं हमारे गुरुजी, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। इनके सरकम फेरेंस में जो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको पूरे ऑनेस्टी से पालन कीजिए, ठीक है ना। आप, मेरा पूरा विश्वास है कि आप जरूर सक्सेस हो जाइए, बिल्कुल 100% सक्सेस होइए, ठीक है ना। और इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे हमारे शंकर भाई है। शंकर भाई, एक मिनट आप इधर आइए। बस मैं इनके लिए एक लाइन बोलना चाहूँगा, ठीक है ना, दिस मैन इज सुप्रीमली टैलेंटेड इन द फाउंडर मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इनका नाम लीजिए, बस एक बार जोरदार आवाज में बोलिएगा, शंकर भगवान की जय। एक लाइन, बस एक लाइन, एक संदेश दीजिए, बोलिए जल्दी से।
देखिए कहा जाता है दोस्तों कि सफलताएं उन्हीं को मिलती है, सफलताएं उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, जिनके सपनों में जान होता है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होता है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। भारत पूजा के अवसर पर मैं आपको वेल विशर्स देता हूं और आगे आने वाला जो फेस्टिवल है उसके लिए भगवान से, ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आप उस फेस्टिवल को अपने घर परिवार में अपने सैलरी के पैसे से मनाइए। कि यह मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है ना, और बार बार मैं वो लाइन बोलता हूँ, हर जगह पे बोलता हूँ, लेकिन इनके लिए स्पेशल बोलता हूँ। हालांकि आप लोग को लगेगा कि वह लाइन क्यों बार बार बोलते हैं, लेकिन वह लाइन में इतना ताकत है कि आपके एनर्जी को 2 times बढ़ा देगा, ठीक है ना। मैं केवल इनके लिए ही बोल रहा हूँ, देखिएगा, सुनिएगा। भगवान ने जब मेरे भाई को बनाया होगा, उस पर भी एक नशा छाया होगा, पहले सोचा होगा अपने पास रखूं, फिर हम सबों का ख्याल आया होगा। आप जैसा जानते हैं बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप लोग, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे तो मेरे पास बहुत तैयारी करने आते हैं, लेकिन आप ही लोग क्यों आ जाए, आप लोग भी तो जाके पूजा पाठ कर सकते थे। बहुत अदर स्टेट से, अदर जिला से आप लोग आए हैं, कुछ तो आप में कुछ खास है। भगवान ने आपको कुछ खास करने के लिए भेजा होगा। उस माँ बाप को भी सलाम करते हैं जिसने आपको जन्म दिया और मेरे पास भेजा। मैं अपनी माँ, मेरी गुरु, जो मुझे ये इस कदर आप जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, मैं अपने माँ को भी यहाँ से सलाम करता हूँ, क्योंकि वो आज नहीं होती तो शायद आप भी नहीं जानते, शायद इंडिया के कोना कोना में जो मुझे जानते हैं, जो मेरे भाई। आपको ये भी बता दें कि बहुत कम समय में, 1 से 1.5 महीना में मैंने वीडियो कभी नहीं बनाता था यूट्यूब पर, और जब यूट्यूब पर वीडियो बनाना चालू किया, कल 1 महीना के अंदर 10,000 से ज़्यादा व्यूअर पार हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों का प्यार है जो इस भाई के लिए, जो मैं क्या करता हूँ, आप मेरे पास आते हैं, मैं आपको रिजल्ट देता हूँ। तो आप अपने माता पिता के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि आप माँ सरस्वती को तो आपने देखा नहीं, लेकिन अपने माँ बाप को जो डेली मिलते हैं, देखते हैं, उस माँ बाप के लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए। दोस्तों आप जैसा जानते हैं, आप यहाँ आते हैं क्या, तैयारी करते हैं, बहुत अदर स्टेट से भी लड़का आता है, गुरुजी के पास चलते हैं, तैयारी करते हैं। मैं क्या करता हूँ, आपको रिजल्ट देता हूँ, मेहनत आप ही को करना है। आप युवा कौन है, जिसका दिमाग होना चाहिए शांत, ब्लड होना चाहिए गर्म, लेकिन आज का युवा कौन है जिसका दिमाग है क्या गर्म, ब्लड सुस्ता गया है, वो युवा नहीं है। गर्व परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी, सफलता के आसमान में अपने खून से हस्ताक्षर कर दो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। जवानी आपको मिली है, ये किसी के दर पर हाथ नहीं फैलाती, भीख नहीं मांगती, लोहे के बंद पिंजरे से अपने चाहत को छीन लेने का नाम जवानी है। तो आप जो, आप जिस मकसद से मेरे पास आए हैं, आप उस मकसद से मेरे पास जो आए हैं उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करिए, और जो मैं करवाता हूँ, यदि आप तैयारी करते हैं तो मैं टाइम आपको देखते हैं। आप लोग जो भी लड़का जुट रहा है इंडिया के कोने कोने में, मेरे भाई जो भी देश की सेवा करते हैं, वो लोग, आपको भी पता है कि हर, आप लोग जितने भी अभी नए बच्चे जो है, जो लड़का आता है 2 महीना 3 महीना के अंदर, हर 4 दिन 5 दिन पर 5 लड़के का सिलेक्शन होता है, कहीं ना कहीं मेहनत करता है। तो आप यहाँ आए हैं, मैं आप लोगों का भी परिचय लूँगा, जो बहुत सारे अदर डिस्ट्रिक्ट से है, स्टेट से है, कुछ लड़के आएंगे बोलेंगे, मैं तो डेली बोलता हूँ, आप लोग भी आज इस सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर कुछ बोलिए, आइए कुछ बोलिए। आज सब लोग उपस्थित हुए हैं, सरस्वती पूजा के दिन है, महत्वपूर्ण समय है आज, और गुरु जी के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और आप लोग रेगुलर रहें यहाँ, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि रेगुलर रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, और गुरु जी जैसे निर्देश देते हैं वैसे कीजिए, वही आप लोग का सफलता का मेन कुंजी होगा, और सफलता 2 से 3 महीने के बाद आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ आने से हमको क्या फायदा, क्योंकि गुरु जी बहुत ही अच्छे हैं।
बोलिए अपना डेस्टिनेशन बताइए गोल। क्या आपको लगता है अभी कितना दिन तैयारी किया? 8 दिन हुआ है, क्या लगता है जॉब हो जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद, जब भी आते जाना। मेरा नाम राजा लोजन ठाकुर है, मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं यहाँ पर आर्मी की ट्रेनिंग के लिए आया हुआ हूँ, ताकि मेरा अप्रैल में होने वाला है आर्मी का, ताकि मैं वहाँ पर निकल। लेकिन अब मुझे भरोसा है कि मैं गुरुजी फिजिकल ट्रेनिंग में बिल्कुल निकल। मैं गौतम कुमार सिंह कटिहार जिला से, और मैं सोचता हूँ कि हम इंडियन आर्मी का अथी करना चाहते हैं, जो गुरुजी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर। अब हम सोच रहे हैं कि आर्मी के एक्सेलेंट मार्क आए वहाँ से और गुरुजी का नाम ऊँचा करें। मैं मोतिहारी जिला से आया हूँ, मैं यहाँ गुरुजी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में तैयारी करता हूँ तैयारी करता हूँ और मैं अगली बार सोचा कि मतलब अवसर पे यहाँ पे गुरुजी को गिफ्ट देना चाहता हूँ एक्सीलेंट मार्क। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ। इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ और एक्सीलेंट मारना चाहता हूँ। इंडियन आर्मी ज्वाइन करके अपने गुरुजी का नाम ऊंचा करना चाहता हूँ। यहाँ आने से पहले मुझे लगता था कि पता नहीं कभी कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन जब से गुरुजी के पास आई हूँ मुझे लगता है आप तो नौकरी लेके आइए। भागलपुर जिला से हूँ और मेरा लक्ष्य है कि इंडियन आर्मी में जाऊँ। और जब से मैं गुरुजी के यहाँ आया हूँ तो मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लूँगा और अपने देश की सेवा कर सकूँगा। मेरा नाम राहुल कुमार है, हम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से। हम इंडियन आर्मी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और देश का रक्षा करना चाहते हैं। आई होप दैट यहाँ से मैं तैयारी करूँगा और सरकार नाम ऊँचा करूँगा और सरहद पे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का रक्षा करूँगा, चाहे मेरा जान चले जाए हमको उसका फिक्र नहीं है। और जिन्होंने हम टेररिस्टों को मारा। दोस्तों मेरा नाम देख सकते हैं, आज सरस्वती पूजा के भी शुभ अवसर पर हमारे बीच रंगनाथम राय राव, जो भी आपने आज इनका मेरिट आया कल बिहार ड्राइवर में, तो कहीं ना कहीं आप लोग जब भी मेरा मैसेज ग्रुप में पढ़ते हैं तो 2 से 4 दिन चलना था, 2-3-4 बच्चा जो भी वैकेंसी आती है तो चला जाता है, आप लोग जानते हैं। तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। दोस्तों मेरा नाम आप लोग जानते हैं रंगनाथम राव है और मेरे प्रेरणा स्वरूप मेरे गुरु जी शंकर भैया और रिंकू भैया हैं। मैं बहुत ही वीक लड़का था और माइंडली भी चैलेंज था, मुझे पता नहीं था मैं क्या करूं। मैंने अपने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मेरा सरकारी जॉब भी हो सकता है, लेकिन मैंने पढ़ाई के लिए रिंकू भैया शंकर भैया से प्रेरणा ली और मैं फिजिकली बहुत वीक था दोस्तों, लेकिन जब मैं गुरुजी के पास आया तो मुझे एक आशा मिली, एक होप आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और आज मैं जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर हूँ, जहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे पास एक सरकारी जॉब है कॉन्स्टेबल ड्राइवर का और मुझे इस बात की खुशी है। और माय होल लाइफ डेडिकेटेड फॉर माय लवली मॉम डैड, और मेरे पास दोस्तों शब्द नहीं है अब कहने को, बस बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा बहुत बहुत प्यार। नीरज कुमार डिस्ट्रिक्ट गया।